वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीन इमेजेस दिखाना चाहता हूँ। तो ये वाला जो पहला वाला जो इमेज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इधर हम जो प्रोफाइल लाइट्स यूज किए हैं कैबिनेट के नीचे, ये आप मेरे कर्सर को देख सकते हैं ध्यान से। तो ये तीनों इमेजेस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ सीलिंग की तरफ और भी एक चैनल करके एक प्रोफाइल लाइट को लगाया गया हुआ है, और चारों कोने पे चारों ऐसे छोटे छोटे लाइट्स लगाए हुए हैं। तो इन सारे को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, और उसके साथ साथ जो कैबिनेट के नीचे वाला जो पोर्शन है उधर भी हमने लाइट्स इंस्टॉल किए हैं एज पर दिस डायग्राम। वी विल बी इंस्टॉलिंग दिस होल थिंग इन आवर किचन एज वेल। तो लास्ट वाला भी इमेज आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो तीनों एंगल से आप हमारे किचन का जो डायग्राम है वो देख सकते हैं। तो इन सारे लाइट्स को आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं, और इसका जो प्रोसेस है मैं आपको पूरा ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो पे बने रहिए। मॉड्यूलर किचन में कोई सा भी लाइट को इंस्टॉल करने से पहले आपको इनके सर्किट के सारे जो भी कनेक्शंस वगैरह है, जो लाइन के कनेक्शंस होते हैं, उनको आपको जो वायर वगैरह है उनको पहले से ही मतलब डाल के रखना है। तो अगर आप लाइट को इंस्टॉल कर रहे हैं तो पहले वो चीज़ आपको कर लेना है। इनफैक्ट जो मॉड्यूलर किचन है उनको सेटअप करने से पहले ही आपको वो सारे कनेक्शंस कर लेने हैं। तो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी सारे चीज़ें कैसे कनेक्शंस वगैरह किए जाते हैं, कब किए जाते हैं, वो सारे कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वो वाला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट वन और पार्ट टू चेकआउट कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू गेट अ क्लियर आइडिया अबाउट हाउ द मॉड्यूलर किचन इज़ बेसिकली सेटअप। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि इधर हमने जो प्रोफाइल लाइट के बारे में बात कर रहे थे पहले, तो डायग्राम के अनुसार हम काम करेंगे। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पहले जो मेजरमेंट वगैरह है वो लिए जाते हैं, और चारों जो छोटे छोटे लाइट्स जिसको मैंने पहले दिखाया था आपको, तो उनको पहले सेटअप कर लिया जाता है, जिससे कि हमको एक रफ आइडिया मिल जाए कि मेजरमेंट कहाँ पर कैसे लेना है, मतलब कितने डिस्टेंस पे हमको उसको सेटअप करना है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितने मेजरमेंट पे आपके जो लाइट्स वगैरह है वो सेटअप करना चाहते हैं। अगर आप जो चारों लाइट्स आप चारों कोने पे लगा रहे हैं सीलिंग पे, अगर आप उनके अंदर अंदर मतलब बीचों बीच अगर आप कोई सा भी बॉक्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका मेजरमेंट अलग होगा। अगर आप बाहर से मतलब उसको एक फ्रेम की तरह मतलब लगाना चाहते हैं तो वो मेजरमेंट डिफरेंट होगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले जो प्रोफाइल लाइट है इसको हम कटिंग कर लिया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये सारे कुछ चीज़ें मैं आपको इन डिटेल दिखा रहा हूँ इधर, जैसे कि आपको आइडिया हो जाए। तो मेक श्योर करना कि इन फ्यूचर अगर आप ऐसे टाइप के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले चारों साइज़ों के हिसाब से जो कटिंग है, जो एल्युमिनियम के जो भी मतलब रॉड्स वगैरह आते हैं, तो जो चैनल्स बोलते हैं बेसिकली उनको, तो उनको कट किया जाता है। उसके बाद जो गैप वगैरह है वो बेसिकली जो चारों कोना है तो उधर क्रिएट किया जाता है। वो क्यों किया जाता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा इन डिटेल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहले मेजरमेंट अच्छे से लिया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली डायग्राम पे दिखाया है, तो सेम ही प्रोसेस हम इधर अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो उसके बाद जो ड्रिलिंग वगैरह है वो कर लिया जाता है। तो ड्रिलिंग करने के बाद जो उधर स्क्रू वगैरह है उसको लगा लिया जाता है। एंड ये चीज़ आप मेक श्योर करना कि आप जब इसको मतलब काम कर रहे हैं इसके लाइन के ऊपर, कि लाइन के कनेक्शंस वगैरह मतलब स्विच ऑफ रहने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक का काम जब भी आप कर रहे होंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि उसके बाद जो चैनल है उसको एक साइड फिट कर दिया जाता है स्क्रू से, और बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन है। लेकिन एक ही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मेजरमेंट आपको अच्छे से ले लेना है, क्योंकि अगर आप ड्रिल वगैरह कर लेते हैं सीलिंग पे, उसके बाद अगर आपका जो लाइट है वो थोड़ा मतलब टेढ़ा सा मतलब बैठ रहा है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगा स्ट्रीट लाइट लगाने में आफ्टर द चैनल इंस्टॉलेशन। तो वो वाला चीज़ आपको ध्यान पे रखना है कि चैनल अच्छे से आपको मतलब फिक्स हो जाना चाहिए। तो सामने बीच में और उसके साथ साथ एकदम तीनों साइड में हमको जो ड्रिलिंग वगैरह है वो कर लेने हैं। तो चैनल के हिसाब से आप जो ड्रिल है वो कर सकते हैं। जो ये जो लंबा वाला जो एज है, इन्हें हमने तीनों स्क्रूज यूज़ किया है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेम प्रोसेस में आपको चारों साइड में चारों जो कटिंग है वो पहले कर लेना है, उसके बाद ही आपको इसको फिट कर लेना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इधर आपको पहले बताया था कि चारों कोनों में हम एक गैप छोड़ रहे हैं बेसिकली, मतलब चारों जब भी हम वो वाला चैनल मतलब लगा रहे थे तो कोने को हम अच्छे से अगर वो फिक्स हो जाए उसके लिए तो डायगोनली कटिंग कर लिया जाता है, लेकिन उधर भी एक ड्रिलिंग वगैरह किया जाता है। तो वो क्यों किया जाता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो वो बेसिकली किया जाता है जब भी आप ऐसे टाइप के लाइट स्ट्रिप्स लगाएंगे, तो अगर आप एज की तरफ उनको मोड़ेंगे तो वो थोड़ा बीट मतलब अनइवन हो जाता है। तो अगर आप वो वाले मतलब होल से उसको घुसा के फिर से बाहर निकाल के उसको लगाएंगे तो
वो एकदम स्ट्रेट अलाइन में, मतलब फैशन वे में बैठता है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इधर, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इधर, जिसकी आप देख पा रहे हैं कि जो टेप है उसको निकाल लिया जाता है और ये बहुत ही अच्छे से, मतलब ग्लू की तरह उसके ऊपर चिपक जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर ये चिपक रहा है बहुत ही अच्छे से। तो आपको जब भी जो कोने आए, जो कोना जो आप आएगा उधर, आप देख सकते हैं कि कोने पे आपको उसको अच्छे से, मतलब उसके अंदर घुसा देना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इधर ड्रिल कर रहे हैं हम, तो ड्रिल करने के बाद इधर आपको कोने पे जो भी, मतलब एलईडी स्ट्रिप लाइट है उसका थोड़ा सा हिस्सा उसके अंदर भी डाल देना है। उससे क्या होता है कि जो एजेस में जो भी, मतलब बेंडिंग होते हैं, तो उधर आपका जो एलईडी स्ट्रिप लाइट है उधर से, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होके नहीं रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा। तो इसके लिए हमने चारों कोने पे बेसिकली चैनल को कटिंग करते टाइम भी एक, मतलब प्रोविजन रखा हुआ था, और लगाने के बाद भी हमने ड्रिल करके उसके अंदर जो एलईडी स्ट्रिप लाइट है उसको हमने घुसा दिया। जैसे कि जब भी हम जो उसके ऊपर का जो कवर लगाएंगे तो उसमें कोई से भी दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसे, इसके लिए ये जो एजेस में जो होल्स वगैरह है वो किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है, ये बेसिकली एक ट्रिक है जिससे कि आप, मतलब इन सारे जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं तो उनको आप, मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं उसके बाद एलईडी स्ट्रिप लाइट को, मतलब साइज़ के अनुसार काट लिया जाता है। उसके बाद कोई सा भी एक लाइट के प्रोविजन के थ्रू जो लाइट का जो भी, मतलब वायर वगैरह होते हैं उनको लगा लिया जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर जो ऊपर का जो भी, मतलब कवरिंग है उसको आपका एक ऊपर साइड में एक हल्का सा फ्लिम वगैरह रहेगा, तो उसको आपको पहले ध्यान से निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद ही आपको उसको इंस्टॉल करना है, तभी जाके वो जब जलेगा तो ब्राइट आपका जो लाइट है वो देखने को मिलेगा। तो हमने इधर जो भी एलईडी स्ट्रिप लाइट्स यूज़ किए हैं, ये बेसिकली हमने वार्म वाइट कलर का यूज़ किया है, क्योंकि हमने जो भी चारों लाइट्स यूज़ किए हैं चारों कोने पर वो बेसिकली ब्राइट वाइट कलर के होते हैं। और तो जो एलईडी स्ट्रिप लाइट हमने लगा रहे हैं अभी जो चैनल के द्वारा, तो वो बेसिकली वार्म वाइट करके है, तो वार्म वाइट जो लाइट है वो देखने में भी सुंदर लगता है। तो उसके लिए हमने ये वाला लाइट चूज़ किया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इधर हमने ये वाला चीज़ लगा रहे हैं, तो केसिंग बहुत ही अच्छे से इसके अंदर चला जाता है। तो चला जाने के बाद ही ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा, तो मेक श्योर करना है कि आप वो अच्छे से फिक्स हो जाए। तो फिक्स हो जाने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो बॉक्स है उसको ओपन कर लिया जाता है, और इसमें एक एडाप्टर भी आता है, जिसके हम सारे लोग जानते हैं कि एलईडी स्ट्रिप लाइट के साथ एक एडाप्टर आता है। तो अगर आपके मतलब जो भी कॉन्सील्ड बॉक्स वगैरह होते हैं तो उसके अंदर ही आप एडाप्टर को कनेक्ट करके उसके अंदर रख सकते हैं। तो इसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान पे रखना है कि जब भी आप इसको उसके अंदर बॉक्स के अंदर रख रहे हैं तो आप बॉक्स को थोड़ा, मतलब जो गैप है वो छोड़ दीजिए, जैसे कि अगर एडाप्टर गर्म भी होता है तो हवा, मतलब इसके आर पार जा सके। तो उसके लिए बॉक्स को थोड़ा, मतलब लूज़ रखिए, जो प्लेट आप लगा रहे हैं उसके ऊपर, तो उसको थोड़ा एक स्क्रू, मतलब थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए, जैसे कि जो हवा है वो पास हो सके। तो जो भी हमने एडाप्टर यूज़ किया है उसको हमने लगा के उसके अंदर बॉक्स के अंदर घुसा दिया, उसके बाद इसको, मतलब अच्छे से जो प्लेट है उसको फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। उसके बाद फाइनली हमारे जो भी एक साइड से लाइट का हमने प्रोविजन रखा था, जिधर से हमने एलईडी स्ट्रिप लाइट को कनेक्ट करेंगे, तो उसको हमने अच्छे से फिक्स कर दिया। उसके बाद जो लाइट है उसको आप मतलब अच्छे से फिक्स कर दे सकते हैं। तो ऐसे आपका जो इंस्टॉलेशन है ये पूरा कम्प्लीट हो जाता है। ये बेसिकली वार्म वाइट कलर का लाइट है, तो इसमें आपको रिमोट वगैरह नहीं आते, तो आपको चेंज करने का कोई सा भी ज़रूरत नहीं है। तो रिमोट वगैरह नहीं आते इसके साथ, तो आप स्विच से भी डायरेक्टली, मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो ये सारे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है सिर्फ वार्म वाइट, और ये अभी जल गया चारों लाइट्स। तो सब लाइट्स अगर आप एक साथ जलाते हैं तो ये कुछ ऐसे देखने को लगता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप जो चारों लाइट्स है उसको ना जलाना चाहते हैं तो आप सिंपली सेपरेटली जो प्रोफाइल लाइट है उसको भी, मतलब जला सकते हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा सा एस्थेटिक सा फील देखने को मिल जाता है। अगर आपको किचन आप मतलब नया बना रहे हैं तो ये वाला लाइट का प्रोविजन आपको अच्छे से कर लेना है। ये बेसिकली डिज़ाइन आपके जिधर से आप किचन बनवाएंगे उधर से भी आप आइडिया ले सकते हैं उनकी तरफ से ही। तो उसके बाद जो, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम पे एकदम स्टार्टिंग में बताया था कि हम जो कैबिनेट के नीचे भी एक लाइट, मतलब ये प्रोफाइल लाइट लगाने वाले हैं, ये मतलब एकदम बिल्ट इन आता है, इसको आप डायरेक्टली आप फिक्स कर सकते हैं। और ये भी वार्म वाइट कलर में हमने लिया है, तो ये वाला लाइट भी जल्दी से हम फिक्स कर लेते हैं।
तो इसको भी फिक्स करना बहुत ही सिंपल है और इसमें भी कोई से भी रिमोट वगैरह नहीं आते, तो मेक श्योर करना आप कोई से भी रिमोट वाला अडेप्टर मत परचेज कीजिए, क्योंकि रिमोट का ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता मतलब किचन में अगर हम ब्रॉडली बात करें इसका। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कनेक्शंस हो गए हमारे, और फाइनली जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा किचन कुछ ऐसा देखने को मिलता है। और अगर आपने हमारा वीडियो को अभी तक चेकआउट नहीं किया है, वो दोनों वीडियो ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा।